गुड मॉर्निंग छात्रों, और आपको सभी को नवरात्रि की मुबारक बात कहें या हम तो सभी धर्मों में हैं और रहना भी चाहिए। शिक्षक हैं तो आप सभी धर्मों में रहें। और नवरात्र में आप एक चीज़ जान लें कि ये माँ का रूप है, तो नौ तरह की माँ मतलब नौ रूप को बताया गया। आप इसे अगर ये भी ना माने, कुछ भी जीरो मान लें, तो नौ तरह का आप माँ में अपने रूप देख सकते हैं। और इसी रूप की हम पूजा विशेष रूप से करते हैं। तो अगर आप अपनी माँ की पूजा करते हैं तो ये भी आपकी पूजा मान्य होगी। और ये एक पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जैसा कि भाई मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ और ना ही किसी नेतागिरी 25-30 साल में मैं किसी पार्टी वगैरह का आदमी नहीं हूँ। तो ये बात लाइन बड़ी अच्छी है, पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा का होना ज़रूरी है और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी चाहिए और थोड़ी बहुत जानकारी भी रहे। ऐसा नहीं कि टू द पॉइंट ही जानकारी रहे, जैसा कि हम रंगीन रेडियो एंड टेलीविज़न पढ़ते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम मोबाइल वगैरह की दुकान भी खोल सकते हैं, और या फिर इसको पढ़ते हुए 80-75% से इस साल लड़के भी पास हुए हैं एनसीसी वगैरह करके। और भी, और साथ ही साथ मैं आज दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था। 15 दिन से हम साबुनीकरण एक प्रक्रिया होती है, आप इसको उस पर देख सकते हैं वीडियो वगैरह पे किसी के। तो इसमें एक जो आप चाय पीते हैं जिस गिलास में, तो उसमें आप जो है साबुन बना सकते हैं। ये भी एक छोटी सी चीज़ है, ये भी सामान्य आधारित विषय है, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें कुटीर उद्योग भी है। तो कुटीर उद्योग ना बना के अगर आप अपने घर का 100 रुपया बचा लेते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो इस लॉकडाउन में ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको एक छोटा सा अपना प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए, ये एक साबुन है जो आपकी चाय की उसमें रखा गया, ये कड़ा हो गया है, 15 दिन हो गया इसके अंदर। और अगर इसमें हम मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या मिलाया है, तो इसमें बस एक चीज़ नहीं मिलाई, रीठा झाग देने के लिए, और बाकी नारियल का तेल है और बेसन है और इसके अंदर हल्दी है और इसके अंदर कपूर है और थोड़ा सा एलोवेरा है, और जो है इसके साथ और एक कास्टिक सोडा को थोड़ा लिया जाता है, लेकिन बहुत लाइट लेके उसको लाइट लिया गया है, जैसा कि अनुपात में दिया जाता है। आप देख के बना भी सकते हो। ये एक रंग और एक कलर मान लीजिए, जिस कलर में आप चाहो, ये बन गया। देखिए, ये भी बना हुआ है। और इसी को अगर आप टुकड़े में काट के इस तरह से इसमें डाल लें, तो देखिए इसमें मैंने खड़ा रीठा डाल दिया है। इसमें काला काला ये आपको दिख रहा होगा, काला काला, तो ये काला काला रीठा डाल देने से, इसको हिला देने से इसके अंदर झाग आराम से बन जा रही। रीठा वैसे 200 रुपये किलो आता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी प्रयोग कर दें तो वो साफ़ हो जाएगा। और मेज़ पर भी इस तरह से करके साफ़ कर दें तो साफ़ हो जाएगा। कपूर तो आपका जो रोल है वो जानते ही हैं। और कलर ना डालें तो इस तरह से, जो ये आपका आजकल आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो उसमें इस तो प्रयोग करके आप चाहें तो, टेक्नोलॉजी है ही है नो डाउट, आप साबुन भी बना सकते हैं, हैंड वॉश भी बना सकते हैं, और कपड़े धोने वाला भी बन सकता है। तो उसको भी मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो जब बनाऊँगा 15 दिन बीतेगा, देखा जाएगा, तो उसको पता। फिलहाल तो मैं आपको अब एनसीसी के बारे में बस यही था कि कल परसों लास्ट डेट है, तो आप लोग अपने लगभग सबके फॉर्म भर ही लिए होंगे लोगों ने। उसमें दो प्रधान की मोहर लगनी है और एक डॉक्टर की मोहर लगनी है, और वर्दी में एक फ़ोटो होनी चाहिए, 6 फ़ोटो हैं, और सारे डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड और ये जो मैंने आपको बता ही रखा है, इतना लेके भी आ जाएंगे। तो बाकी करीब 10 दिन से मैं आप लोगों के फॉर्म भरवा ही रहा हूँ, तो वो भी भर दिए जाएंगे। जिस कोई भी क्लास हो, कोई ज़रूरी नहीं कि व्यवसायिक शिक्षा ही का छात्र है, बहुत कोई भी किसी क्लास का। और कल सोमवार मंगलवार को आके आप जो है उसको, लास्ट डेट है, मैं इसीलिए आपको बताना भी चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था, तो आप इसको जमा कर दें, ताकि जो है एनसीसी की जो आगे की प्रक्रिया होगी वो आप लोगों को फिर 20 तारीख के बाद सूचना मिलेगी।
वो सूचना आपको मिल जाएगी। दूसरी सूचना ये है कि मास्क लगा के आएँ, और पिताजी से एक दस्तखत कराने के लिए भी मैंने कागज़ दिया था, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में है उस पर साइन करा लें, और वो और अगर सैनिटाइज़र ले सकें और अगर ये साबुन इस तरह का बना सकें तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आइए मैं सिखाता हूँ आपको, और आप के सामने ही बन जाएगा, 15 दिन बीतने में टाइम नहीं लगता। और उसके बाद आपकी व्यवसायिक शिक्षा का सेकेंड पाली में मैंने टाइम टेबल भी डाल दिया है, इंजीनियर डी सिंह लिखा होगा तो वो मेरा पीरियड है। तो और बाकी एक हिंदी का आपका हाई है सेकेंड पाली में, और एक आप जो भूगोल वगैरह लिए होंगे वो भी होगा, तो चारों सेकेंड पाली में 1 से 4 और फर्स्ट पाली 8 से 12 थी, तो मुझे सेकेंड पाली से मतलब था इसलिए मैं 1 से 4 मैं मुझे याद है। तो 1 से 4 में आके आप कमरे को सैनिटाइज भी कराएंगे प्रधानाचार्य महोदय, और निश्चित रूप से मैं उसके अंदर 2 महीने से आप लोगों के साथ तो बैठ ही रहा हूँ, तो आप देख ही रहे हो, और आप लोगों का जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया, और ये चीज़ रहेंगी आप लोग खुद ही साफ़ कर लेंगे, और अपना हम लोग भी हैं स्कूल भी है, अपना भी सैनिटाइज़र लेके आएंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, अपना साबुन ले आए, वैसे कॉलेज में ये मिलेगा और ये बहुत ही सस्ते में बन जाने वाली चीज़ है। तो और रोड से एक किराने की दुकान से सामान लेके आप बना सकते हैं जितना मैंने आपको बताया। तो मेनी मेनी थैंक्स, और एक बार फिर नवरात्रि की आप लोगों को शुभकामनाएं, और माँ की सेवा करें, और 9 दिन वास्तव में माता की ही पूजा करें, और जो मंदिर वगैरह जो है वो आप करें, और फिर वही पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें शिक्षक, सही बात है, टेक्नोलॉजी रहेगी तभी आदमी के पास कुछ काम धंधा रहेगा, कुछ भी बना खा पी सकता है वो। और ये साबुन तो कम से कम 50 रुपये तो आप लोग बचाइए महीने, घर में 50 रुपये साबुन तो लगता ही होगा, तो इसको बचाने के लिए इसको सीखने के लिए भी आइए, और अपना कोर्स भी और प्रैक्टिकल भी आपका कक्षा 12 का है चल रहा है, तो कक्षा 12 के बच्चों का प्रैक्टिकल तो पिछले साल हो ही गया, तो 5-6 ठो और भी 1-2 प्रैक्टिकल होगा तो भी करा लिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। और ये चीज़ भी आप ये तो काफ़ी में नहीं, आपके सामान्य आधारित विषय में है कुटीर उद्योग में, आप भी सीखिए दूसरों को भी सिखाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने सीख के और उसका आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा, व्यवसायिक शिक्षक मैं हूँ तो व्यवसाय के लिए तो आपको कह ही सकता हूँ, व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, और इसके अंदर बकायदा अपना, चूँकि आप कपूर के बारे में जानिए, धनिया और उसके हल्दी के बारे में जानिए, बेसन के बारे में जानिए, लक्स जो साबुन होता है ना वो लक्स, ये लक्स है, इसके अंदर बेसन भी है हल्दी भी है, और यही लगाया भी जाता है चेहरे वगैरह पे, और कपूर अगर डाल दें तो आप सैनिटाइज भी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, इसको थोड़ा सा पानी डाल के आप देखिए, इस पर हल्का सा पानी डाल के अगर इसको साफ़ कर दीजिए तो ये मेज आपकी साफ़ हो जाएगी, और एक कपड़े से इसको पोंछ दीजिए उठा के, तो ये मेज आपकी देखिए साफ, अब यहीं बगल में और इसके बगल में फ़र्क देखिए आप। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, और सोमवार मंगलवार तक अपने NCC के फॉर्म को जमा कर दीजिए, और उसके बाद मैं इसके बाद अब 4th पेपर पढ़ाना शुरू करूँगा कक्षा 12 को, 4th का एक टॉपिक बचा है टेप रिकॉर्डर, और 5वां जो है पेपर TV बचा है, तो मैंने आपसे कहा ही था नवंबर तक इसको भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन पे आ जाएंगे। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।